सुप्रभातम, अहम अस्मि कैलाश विहारी। हम लोग पिछले 5 दिनों से संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कृत में राइटिंग कर रहे हैं, और इस प्रयास में हम लोग धीरे धीरे क्या देखें, पहले दिन में देखें कि अनुवाद में हमें क्या क्या ज़रूरी है। हम लोग देखें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है संस्कृत अनुवाद में, शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय। शब्द रूप का बेसिक चीज हम लोग समझे थे। उसके बाद पहले क्लास में हमने हलंत और विसर्ग भी समझे कि हलंत का मीनिंग क्या है, विसर्ग का मीनिंग क्या है, क्योंकि इसी चीज़ से आपको ज़रूरत है सर्वत्र। फिर हमने दूसरे क्लास में देखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। आप लोग देखे भी, आप लोग को सबको लगभग याद भी है प्रत्यय किसे कहते हैं। और 3 प्रकार के प्रत्यय होते थे, कृदंत, तद्धित और स्त्री। स्त्री प्रत्यय हमें पढ़ना नहीं था क्योंकि अनुवाद में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा कि दूसरे क्लास में कि हमने तुमुन प्रत्यय, सॉरी, कत्वा प्रत्यय पढ़ा। त्वा प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, धातु के साथ लगता है। 1944 1944 धातुएँ हैं, इनके साथ मैंने देखा और उसका प्रयोग भी देखे कि कर के अर्थ में होता है। उसके बाद मैंने क्या देखा कि तीसरे क्लास में हमने कृदंत में ही अगला तुमुन प्रत्यय देखा। तुमुन का तुम शेष रहता, आप लोग सभी जान ही चुके हैं, और उसके अंत में हलंत भी है, के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए आदि। फिर हमने अगले चौथे क्लास में पुनः लकार पर आए, टेंस पर आए कि हमें 5 पढ़ना था। लट लकार मैंने पहले दिन पढ़ा, फिर मैंने चौथे दिन आपको लोट लकार पढ़ाया और आप लोगों ने पढ़ के भी लाया, लिख के भी लाया, अच्छे तरह से लगभग सभी आदमी पूरी तरह से अच्छे तरह से तैयार होकर और सीख भी रहे हैं। फिर हमने 5वें दिन क्या देखा, लंग लकार पढ़ाए। उसके बाद मैंने थोड़ा समय भी आपको बताया। तो इस तरह से हम लोग टेंस में 3 चल चुके हैं, लट, लोट और लंग। और आपको जो विशेष रूप से याद रखने लायक चीज़ें हैं वो है आपको लट लकार में कितने जगह विसर्ग। आप लोग को सबको पता है कि 4 जगह विसर्ग है लट लकार में, हलंत कहीं नहीं है। लोट लकार में केवल 2 विसर्ग है, हलंत कहीं, सॉरी, लोट लकार में केवल 2 हलंत है, विसर्ग कहीं नहीं है। लंग लकार में हमने देखा 5 हलंत है और एकमात्र विसर्ग है, वह मध्यम पुरुष एकवचन में। तो इस हलंत और विसर्ग को आप अच्छे तरह से ध्यान में रखिए, फिर आपको कहीं भी गलती नहीं होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि आप हलंत विसर्ग को गलती नहीं करेंगे, लिखने में कहीं कठिनाई नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, टेंस में ही विधिलिंग में चलते हैं। और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में है। विधिलिंग में मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपके पास 4 हलंत है और 2 विसर्ग है, कहाँ कहाँ है हम लोग अभी देखेंगे। तो अनुवाद आपकी यदि अच्छी हो जाए, संस्कृत अच्छी यदि राइटिंग हो जाए, तो संस्कृत को समझना बिल्कुल ही आसान है। संज्ञा, संधि, समास, कारक, वाच्य आराम से समझ पाएंगे, अनसीन पैसेज हम लोग समझ जाएंगे, और जितने भी श्लोक होंगे सब हम उसको तोड़ तोड़ के अच्छे तरह से अर्थ निकाल लेंगे, फिर हम लोग आराम से लिख पाएंगे। तो अनुवाद आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और आप लोग सीख भी रहे हैं। अच्छे, हमें खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से सीख रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग सभी कलम कॉपी निकालिए और मेरे साथ लिखना शुरू करिए। तो हमारी दृष्टि से यह चौथा लकार है, बाद बाकी अलग अलग है। चौथा लकार है आपका विधि लिंग। विधि लिंग का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या होता है, चाहिए के अर्थ में। मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था, 5 लकार की चर्चा कर दिया था, चाहिए के अर्थ में, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग रूप देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक रूप बताता हूँ कि जैसे सब का रूप लट लकार में आपने क्या देखा, 9 थे, तितंति सीता था हम या वह। लोट लकार में हमने देखा तू ताम मंतु शून्य ओया यही तम त आनी आव आम। लंग लकार क्या देखे, ता ताम अन विसर्ग तम त अम आव आम। उसी तरह से विधिलिंग में भी है, 9 जगह याद कर लेंगे केवल तो हमें विधिलिंग समझ में आ जाएगा। लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सांकेतिक रूप में भी। तो पहला हमारा है एत, आप लोग को याद भी होगा पहले से भी, किंतु जिसे याद नहीं है चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसका कभी भी जीवन में संस्कृत नहीं रहा है वो भी खूब अच्छे तरह से संस्कृत सीख सकते हैं।
कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा अपना विश्वास है, आप भी अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने आप को विश्वास है। एताम एयू, उसके बाद आपका होता है ए देकर विसर्ग जोड़ देंगे, फिर होगा एतम, फिर है एत। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा एत है 1.1 में, यहाँ आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो कि मैंने आपको पहले दिन सांकेतिक रूप में बता चुका हूँ। इसके बाद आप लिखे ए यम, ए यम, ए व, ए म, ये आपका विधि लिंग। यदि आप ये नौ याद कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि विधि लिंग का आप लगभग कवर कर चुके हैं। यद्यपि आपको बहुतों को पहले से भी याद होगा, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको इसमें से किसी को याद नहीं है, कोई नहीं जानते हैं। मैं ऐसे ही चीज़ मान करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो आप पढ़िए इसको, एत एताम एयूह, एह एतम एत, एयम एव एम। आपने देखा चार हलंत है और एकमात्र विसर्ग है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मैं पूछूंगा अगले दिन कि कितने जगह हलंत है, कितने जगह विसर्ग है, ठीक है। अब आइए लिखने का तरीका देखते हैं। आप लोग को यदि आप रेगुलर रूप से क्लास में आ रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको याद होगा कि हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग गम धातु लेते हैं या पठ धातु लेते हैं। चलिए पठ धातु लेते हैं। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, आपको पता है। गम का अर्थ होता है जाना। तो इसे हम विधि लिंग में लिखेंगे, विधि लिंग में, चाहिए के अर्थ में। आप लोग डेली लिख रहे हैं और प्रैक्टिस करते रहिए घर में अच्छे तरह से विधि लिंग। आपको मैंने तरीका बताया था कि यदि हम कोई भी है धातु को 9 टाइम लिख देंगे इस तरह से, पाठ पाठ पाठ, जो भी धातु रहे उसको हम 9 बार लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा मूल धातु नहीं लिखेंगे, बदला हुआ रूप। मूल धातु में हमारा हलंत होता है, बदला हुआ रूप में हलंत नहीं होता है। तो बदला हुआ रूप ही हम चेंजिंग रूप लिखेंगे, मूल धातु हम केवल जो है लृट लकार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख भी लिए होंगे, साथ साथ लिखते जाइए। और मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम क्या आगे लिखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। आप लोग सभी समझ गए होंगे क्या करिएगा, बताइए, सोचिए। अब आप देखिए यहाँ पहले ए तो हम क्या करेंगे, ए लिख के तो में हलंत लगा देंगे, तो बन गया पठे। यहाँ पर देखिए 1.2 ए ताम, पठे ताम। फिर देखिए यहाँ ए यूह, ए लिख के यूह जोड़ देंगे, ए यूह। फिर यहाँ पर देखिए ए, तो ए लिख के विसर्ग लगा देंगे, ए तम, ए तम। फिर देखिए यहाँ ए तो, ध्यान रखिएगा यहाँ हलंत नहीं है, ए यम, ए य मा हलंत, ए यम, ए व, ए व। उसके बाद हम लिखेंगे ए मा। तो बंधु ये आपका विधि लिंग हो गया, और आप लोग याद करिए, किताबों में आप लोग पढ़े भी होंगे, रटे भी होंगे, है ना। रटने का तो फंडा थोड़ा बहुत ज़रूर आप अपनाए होंगे, है ना, तो रट भी लिए होंगे। लेकिन अब सोचिए यदि हम इस तरह से कर लें याद, तो हम धातु को सेट कर देंगे, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठे व पठेम। तो इस तरह से हम लोग विधि लिंग कर लेंगे, पठेत पढ़ना चाहिए, आप लोग को पता ही है। तो ये हमारा धातु रूप है, ध्यान रखिए ये हमारा धातु रूप विधि लिंग कंप्लीट, यानी आप सब दिन इसको याद कर लिए। सोच के देखिए ईसा पूर्व जो चौथी से छठी शताब्दी में पाणिनि ने व्याकरण लिखा है वो आज तक चल रहा है, इसलिए छठी शताब्दी से लेकर वर्तमान समय के आगे भी वही गच्छति गच्छता गच्छन्ति चलते रहेगा। 4 महीने किया, कई हज़ार वर्ष चलते रहेंगे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, इनके बिना नहीं चलना है काम, है ना।
चलिए इस तरह से हम लोग चलते हैं। अब सोचिए अब हम क्या करने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा। इसके साथ हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे कर्ता, तो हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा। और यदि आपको कहीं एक वाक्य में लिखा है दो शब्द लिख देंगे, एक वाक्य बन गया। क्या करेंगे आपको पता है, क्या करिएगा बताइए, याद करिए। पहला क्लास शब्द रूप का जो मैंने बेस बताया था, बेसिक चीज़ याद है कि भूल गए हैं? नहीं याद है सबको। चलिए लिखिए, आप लोग बहुत तो लिख के तैयार भी हैं, इसमें से देखते हैं एकदम आराम से मुस्कुरा रहे हैं तो अच्छी बात है। पहले हम लोग लिखेंगे सह, फिर यहाँ लिखेंगे त्वाम, फिर यहाँ लिखेंगे अहम, उसके बाद यहाँ लिखेंगे ताओ, उसके बाद लिखेंगे युवाम द्विवचन में, उसके बाद लिखेंगे आवाम, उसके बाद लिखेंगे ते, उसके बाद यूयम, और फिर होगा हमारा वयम। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब आप लोग सोचिए इसका अर्थ क्या होगा। सह पठेत, वह पढ़ना चाहिए, नहीं उसे पढ़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जहाँ हम लोग सह का मतलब वह था, विधिलिंग हमारा जगह, उसे पढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे सह पठेत, वे दोनों पढ़ना चाहिए, नहीं उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ध्यान रखिए को का मीनिंग यहाँ उसे में आ जाएगा, ये नहीं कि हम विभक्ति जोड़ना शुरू कर दें। अभी विभक्ति मत जोड़िएगा, जब मैं आपको शब्द रूप पढ़ाऊँगा तब विभक्ति जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो तव पठेताम का अर्थ हुआ उन दोनों को पढ़ना चाहिए। अब जो पढ़िए ऑब्जेक्ट है, कर्म लगा दीजिए, उसमें बिंदी लगा दीजिए, महालंत लगाइए। ते पठेयु, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेतो, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, मतलब मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठे वो, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठे वो, हम सबों को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको बता भी दिया। अब आपको काम क्या करना है, घर से आपको होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है याद करिए, पहले क्लास में मैंने कुछ धातुओं को लिखाया था, फिर मैंने जब लोट लकार पढ़ाया था तो उस दिन भी मैंने कुछ धातुओं को लिखा दिया था, मूल धातु बदला हुआ रूप अर्थ, वो सारे के सारे धातुओं को आप एक जगह करके विधिलिंग में इस तरह से लिखने का प्रयास करिएगा और मीनिंग समझने का कोशिश करिएगा। फिर कहीं कठिनाई आएगी तो हम लोग बात कर लेंगे, एक निश्चित टाइम दे दिया जाएगा कि उस टाइम में आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, हमेशा मत पूछिएगा लेकिन एक टाइम आपको दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से यदि करेंगे तो हमारा अनुवाद विधिलिंग अच्छी तरह से हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं थोड़ा सा सोचिए, इस पर अनुवाद बनाने का प्रयास करते हैं। मीनिंग मैंने समझा दिया, अब आप देखिए पीछे से अब आइए, जिसमें हम प्रत्यय का भी प्रयोग करेंगे, विधिलिंग का भी प्रयोग करेंगे। आप लोग साथ साथ बनाते जाइए अनुवाद, उसे संस्कृत पढ़कर घर जाना चाहिए। आप लोग बनाइए अनुवाद, देर न करिए अनुवाद बनाने में। आपको जो भी आ रहा है, कुछ नहीं हलंत और विसर्ग लगाने हैं वो सब आप तुरंत, बहुत तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट एकदम संस्कृत लिखते जा रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं लिख लिख के। चलिए अब आप लोग बना लिए होंगे, अब मिलाइए कि हमारी कितनी जगह गलती हुई है ना, उसको मिलाइए। वह का संस्कृत क्या होता है, सह, पता ही आपको। संस्कृत को पढ़ रहे हैं, संस्कृत हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट में केवल म लगाते हैं और म का बिंदी क्यों होगा, आगे व्यंजन होगा। अब याद करिए पढ़ कर कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे बताइए, बताइए, ठीक है वेरी गुड। अक्त्वा प्रत्यय, पठ धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका क्या, पहले मैं बता, पठ दो वर्ण का रहेगा, बीच में ही अक्त्वा का त्वा, पठित्वा हो गया पढ़कर। कहाँ जा रहे हैं, घर को जा रहे हैं, तो गृह लिख के इसमें आप ऊपर में बिंदी लगाइए, जहाँ जाना है म लगाइए, जो खाना है म लगाइए, जो पीना है म लगाइए, जो देखना है म लगाइए, जो करना है म लगाइए, फिलहाल अभी म लगाइए। जब हम लोग शब्द रूप विस्तृत पढ़ लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा आखिर हम क्यों लगाते थे म, अभी फिलहाल लगाइए क्योंकि अभी हमारी
प्रारंभिक स्टेज है, जाना चाहिए, सोच के देखिए, जाना चाहिए, कौन सा लकार जोड़ेंगे, विधिलिंग, विधिलिंग। अब आप पहले देखिए जाना का क्या होता है रूप, याद करिए मैंने बताया था लोट लकार के दिन गम, तो हमारा चार लकार में बदला हुआ रूप चलता है, चूंकि ये चौथा लकार है तो गम का बदला हुआ रूप गच्छ है। और कर्ता देखिए क्या है, स है, जो प्रथम पुरुष एक वचन में है 1.1 में, तो आप विधि लिंग में देखिए 1.1 में क्या लिखा है बताइए, ए तो हलंत, ए तो हलंत लगा दीजिए, बन गया। देखिए मिला लीजिए, सह संस्कृतम पठित्वा गृहम गच्छेत, उसे संस्कृत पढ़कर घर जाना चाहिए। क्लियर है, हाथ खड़ा करिए, कितने का सही हुआ, अच्छा सबका सही है, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा अनुवाद देखिए, तुम्हें अभी घर जाकर, तुम्हें अभी घर जाकर दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। साथ साथ आप लोग लिखते भी जाइए और बनाते भी जाइएगा, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हम साथ साथ संस्कृत में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, हमें कहाँ कठिनाई आ रही है। तो जब तक मैं आपको लिखूं आप भी लिख लीजिए, और जब तक मैं आपको समझाऊं तुरंत आप अनुवाद बना दीजिए। तो आइए हम लोग बनाते हैं, आप लोग बना भी लिए होंगे, मिलान भी कर लिए होंगे। और देखिए तुम्हें, तुम्हें का संस्कृत क्या होता है, जो तुम का होता है वही, तो क्या लिखे आप, तो हम। अभी का संस्कृत क्या होता है, अधुना। घर का क्या होता है, गृहम, गृहम होता है, आलियम होता है, भुवनम होता है, सदनम होता है, नीलियम बहुत है लेकिन गृहम फेमस है। अब याद करें, जाकर कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, त्वा प्रत्यय, याद होगा मूल धातु गम है, त्वा प्रत्यय तुगुण प्रत्यय मूल धातु में लगता है। और मैंने आपको ये भी बताया था उस दिन, धातु के अंत में मौ हलंत रहे तो अक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो समाप्त हो जाता है, तो याद करिए गम धातु में मौ हमारा समाप्त हो गया, अक्त्वा प्रत्यय का त्वा बचा, क्या बन गया, अक्त्वा, गत्वा। दूध का दुग्धम भी होता है, पय भी होता है, तो हम लोग लिखें दुग्धम, पीना चाहिए, विधि लिंग लगा दीजिए। मूल धातु क्या है, पा, बदला हुआ रूप क्या है, पीव, ध्यान रखिएगा लकार में बदला हुआ रूप चलता है, आपको मैंने पहले दिन बता चुका हूँ, लट लोट लंग और विधि लिंग में धातु का बदला हुआ रूप चलता है, पीव हो गया। अब देखिए त्वम हमारा क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन है, 2.1 में है, अब विधि लिंग देखिए क्या है 2.1 में, ए विसर्ग, हम यहाँ ए लिख के विसर्ग लगा देंगे, बन गया। अब देखिए मिला लीजिए कितने गलतियाँ हुई, ये आपको मैं पहले दिन बता चुका हूँ, मोहलंत तब होगा जब आगे कोई स्वर वर्ण रहेगा, मैंने उस दिन स्वर वर्ण भी बताया था, ध्यान रखिए। और यदि मोहलंत के आगे कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसके ऊपर में बिंदी हो जाता, ध्यान रखिएगा। अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, फुल नंबर लाना चाहते हैं मार्क्स, तो आपको ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी होगी, अन्यथा आप अच्छे स्कोर की कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी से आप धीरे धीरे सुधार कर लीजिए। तो चलिए कितने का सही हुआ, चलिए लगभग का सही हो गया। अब आइए देखिए हम लोग त्वा प्रत्यय का है, मुझे, मुझे दूध पीने के लिए गौशाला जाना चाहिए, गौशाला जाना चाहिए, ध्यान रखिए। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कर दिया, तो आप प्रत्यय की जगह हमने आपको तुमन प्रत्यय का प्रयोग बता दिया। मुझे का संस्कृत आपको पता है, मैं का जो होता है क्या होता है, अहम। दूध का अभी मैंने बताया था दुग्धम, ध्यान रखिएगा दूध में बड़ी होता है लेकिन संस्कृत में जब होता है छोटी होता है, दुग्धम। पीने के लिए याद करिए तुमुन प्रत्यय,
जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल धातु में लगता है, पा धातु है, तुमुन प्रत्यय जोड़ देंगे तो पातुम हो गया। ये हो गया पीने के लिए पातुम। कहाँ जा रहे हैं? गौशाला जा रहे हैं, तो गौशाला ही लिख दीजिए, जहाँ जाना है गौशाला। बस इसमें आपको मोहलंत लगा देना है और मोहलंत का बिंदी। जाना चाहिए का गम है, चूंकि लंग विधि लिंग है तो गच्छ लिख दीजिए। अहम के साथ, अहम हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में है, देख लीजिए, इसके साथ एयम जोड़ दीजिए तो हमारा बन गया गच्छेयम। तो इस तरह से आप विधि लिंग में धीरे धीरे प्रयास कर रहे होंगे। एक और अनुवाद बना लीजिए, हमें हमें अभी विद्यालय जाकर जाकर हमें अभी विद्यालय जाकर गणित भी पढ़ने चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ने चाहिए, जो भी हो। देखिए, हमें का यहाँ संस्कृत वयम हो जाएगा, मुझे अहम, वयम का अर्थ होता है हमें या हम लोगों को। तो ये हमारा बहुवचन में है, तो आपको पता है कि वयम होता है हमारा 3.3, तो वयम लिख दीजिए। अभी का संस्कृत आप लोग जान रहे हैं, अधुना लिख दीजिए। विद्यालय है तो विद्यालय लिख के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, क्योंकि आगे व्यंजन है। जाकर का अभी अभी हमने देखा, जाकर का संस्कृत अक्त्वा प्रत्यय जोड़ दीजिए, अक्त्वा गत्वा। ध्यान देखिए, या का अर्थ भी होता है जाना, तो यात्वा भी लिख सकते हैं और होता है, लेकिन गत्वा लिखिए, ज़्यादा फेमस शब्द है। गणित का संस्कृत क्या हो जाएगा? गणितम। और भी का संस्कृत होता है अपि, जो नया नया शब्द आए आप एक पेज में लास्ट में लिखते जाइए अपि। पढ़ने चाहिए का पठ धातु है, वयम हमारा 3.3 है, याद करिए, उत्तम पुरुष बहुवचन, उसके साथ एमो लगा देंगे तो हो गया पठेमो। आप लोग मिला लीजिए, देखिए कितने का सही हुआ है ना। अब आइए, हम आपको याद करिए, मैं जब लंग लकार आपको पढ़ा रहा था तो उस दिन मैंने कुछ बताया था आपको, टाइम समय, जैसे 1 बजे का, 1 बादने, 2 बजे का, 2 बादने, 3 बजे का, 3 बादने, 4 बादने, 5 बादने, 6 बादने, 7 बादने, 8 बादने, 9 बादने, 10 बादने, 11 बादने और 12 बादने, 12 बजे तक हम लोग देखे थे उस दिन। अब आइए, उस थोड़ा सा उस टाइम को हम आगे बढ़ाते। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, यहाँ जब हम आपको लंग लकार पढ़ाए थे तो आप लोग अच्छे तरह से याद कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, थोड़ी सी लगे होंगे कि भाई इसमें तो 5 हलंत आ गया, एक विसर्ग आ गया। यदि इनमें से किसी को लंग लकार याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लंग लकार के बगैर भी हम लंग लकार बना सकते हैं, यदि आपको केवल लट लकार याद है। कैसे? आप लोग नोट में लिख लीजिए सभी आदमी, थोड़ा सा वहाँ पहले चल लेते हैं। अर्थात लंग लकार का एक और विकल्प लेते हैं कि लंग लकार आप भूल जाइए, हमें एकदम याद नहीं है, तो भी अनुवाद में आपकी कोई समस्या नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। हाँ, केवल एक लट लकार याद होनी चाहिए कम से कम। यद्यपि देखेंगे कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में एक सूत्र है लटस में, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, लटस में आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है लटस में का? लटस में का अर्थ होता है कि लट लकार के रूप के अंत में यदि स्मो शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है, अर्थात वह लट लकार का रूप न रह करके वह लंग लकार का रूप हो जाता है। नहीं समझे बात को? चलिए लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिख लीजिए सभी आदमी, लट लकार के रूप के अंत में स्मॉ, ध्यान रखिएगा, ना तो हलंत है ना तो विसर्ग है, यह नहीं कि संस्कृत है जबरदस्ती विसर्ग लगा दीजिए। लट लकार के रूप के अंत में स्मॉ शब्द का प्रयोग या जोड़ देने पर, प्रयोग करने पर वह लंग लकार
आप लोग लिख लीजिए, भूतकाल लंग लकार में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, ठीक है। याद करिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी थे, मैं कल 5 बजे टहलने के लिए पार्क गया था, पार्क गया था। ठीक है, कोशिश करिए, आप लोग जान रहे हैं एक लकार लंग लकार, उसके द्वारा आप बनाने का प्रयास करिए। चलिए बना लिए फटाफट, बना लिए होंगे, हम लोग मिलाते हैं, मिलान करते हैं। मैं का संस्कृत क्या हो गया? अहम। कल का संस्कृत आप लोग जान जाते हैं, कोई इसको हिया पढ़ता है, कोई हाया पढ़ता है, जो भी पढ़िए, पढ़ना आपकी मर्जी है, लेकिन देखिए सही सही। पाँच बजे का संस्कृत क्या होता है आपको मैंने बताया था, पंच वादने। टहलने के लिए, टहलना का संस्कृत होता है अट, धातु है, ब्रह्म भी लिख सकते हैं अटी और तुम, उनका तुम, अटी तुम, टहलने के लिए। पार्क का आपका उद्यान भी होता है, वाटिका भी होता है, उद्यानम। और यदि आप लंग लकार के द्वारा आप बनाते हैं तो हो जाएगा अगच्छम। याद करिए, अहम हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो आपको वहाँ अम लिखा हुआ है, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो आप कहेंगे सर तो ये तो पिछले दिन के तरह बना दिए, आज देखिए कैसे, ऐसा आप लोग बना के रखे होंगे लेकिन आज देखिए कैसे करना है। सेम कर दीजिए, ये वही आ जाएगा, ये यही, यहाँ से देखिए चेंज होगा। उद्यान का हो जाएगा उद्यानम। ये जो हमारा लंग लकार में, इसको लट लकार लिखिए गम धातु का, अर्थात जाना का लिखिए गच्छ, और इसको अहम के साथ आमी जोड़ दीजिए, गच्छामी, और लास्ट में आप अस्मा का प्रयोग कर दें। इसका मतलब है ये जो हमारा है, अगच्छम के स्थान पर हम गच्छामी अस्मा का प्रयोग कर देंगे, तो अनुवाद में आपको कोई गलती नहीं होगी। अर्थात आप केवल एक लकार भी पढ़ लिए लट लकार, तो आपका पास्ट टेंस काम चल गया। और हम लोग दो विधि सीखेंगे, प्रत्यय जब पढ़ेंगे अक्त और अक्तवतु पर, तो वहाँ और पास्ट टेंस का दो रूप है। फिलहाल हम लोग दो तरीके तो समझ गए, दोनों हाथ में लड्डू है, कोई भी आप बना लीजिए। मैंने आपको उस दिन इसलिए नहीं बताया, यदि मैं आपको बता देता तो कोई लंग लकार याद ही नहीं करते, इसलिए मैंने जान के उस दिन आपको नहीं बताया, आज मैंने आपको बताया। और इसका प्रयोग आपको देखिएगा, कहीं अगच्छम रहेगा, कहीं गच्छामी अस्मौ रहेगा, कहीं वसती रहे अस्मौ रहेगा, कहीं अवसत रहेगा, तो किताबों में पैसेज में सारे जगह प्रयोग रहेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए। अब आप इसे क्या करिएगा, लट लकार लिख के अस्मौ जोड़ दीजिएगा, जैसे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि हम कहेंगे अपठत बराबर पठती अस्मौ, मतलब यदि हम अपठत नहीं लिखते तो उसके जगह हम पठती अस्मौ का प्रयोग कर देंगे। याद करिए, अपठताम उसके जगह हम क्या कहेंगे, पठतः स्म, अपठन पठन्ति स्म, ये ध्यान रखिए, समझ रहे होंगे, अपठः पठसि स्म, उसके बाद अपठतम लंग लकार, तो वहाँ हम पठतः स्म, उसके बाद हम लिखेंगे अपठत, तो क्या लिखेंगे, पठ थ, फिर थोड़ा अलग में स्म जोड़ दें, पठत स्म, अपठम पठामी स्म, अपठाव पठाव स्म, अपठाम पठाम स्म, समझ गए, बिल्कुल सही है। चलिए, तो आपको एक मैंने ये विकल्प दे दिया, आप इसे अच्छे तरह से समझ लीजिए और घर में लिखने का प्रयास करिए, है ना। आपको मैंने जितने भी धातुएं दिए हैं सबको आप लट लकार के इंड में स्म स्म जोड़ दीजिएगा, वो आपका लंग लकार का बनते जाएगा, और उसके नीचे आप लंग लकार का भी देखिए। तो आज आप लोग अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 24 आवर्स है,
आप 24 धातु तो आराम से लिख सकते हैं, अच्छे तरह से उसको लिखिए और समझने का प्रयास करिएगा। आइए हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। इस तरह से मैं आपको अनुवाद देते जा रहा हूँ, आप लोग बनाते जाएं, केवल सांकेतिक रूप में है। यद्यपि मैं जब आगे क्लास लूँगा तो जब तक आप सभी अच्छे तरह से नहीं समझ पाएंगे तब तक मैं अनुवाद बनवाते रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी समय थोड़ा कम है इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ, अब आप लोग लिख भी लिए होंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखिए अभी क्या पढ़ते हैं। आपको मैंने समय बताया था 12, आज हम लोग रेलवे टाइम 13 बजाते हैं। 13 का संस्कृत होगा त्रयोदश वादने, 13 बजे। अब आप लोग खुद सोचिए 14 बजे का क्या होगा, सुने भी होंगे चतुर्दश का अर्थ होता है 14, इधर लिख दीजिए वादने। उसके बाद 15 का क्या होगा, पंच दस वादने। इसका है यहाँ पर हमारे सप्तमी विभक्ति है, वादनम मतलब बजा है, वादने मतलब बजने पर। 16 का क्या होगा, षोडश वादने। 17 बजे का संस्कृत क्या था, 17, तो सप्त का अर्थ होता है 7 और उसके बाद 10 जोड़ दीजिए, 7 + 10, इसके बाद वादने लिख दीजिए 17 बजे। 18 का तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, अष्टादश, आप लोग सुने भी होंगे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी ने कहा है पुराणों में कि 18 पुराणों में व्यास के दो ही वचन अच्छे हैं, मीनिंग है दूसरे का कहता है परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, चुगलखोरी करना, निंदा करना, शिकायत करना सबसे बड़ा पाप है। चलिए मैंने कहता हूँ व्यास जी कहते हैं, आइए हम लोग करते हैं। 19 का संस्कृत देखिए क्या होता है, पहले नव लिख दीजिए फिर 10, नव दस वादने, ये 19। ध्यान रखिएगा हिंदी में 19 एक ही है, इंग्लिश में 19 ही है, परंतु संस्कृत में 19 के 4 संस्कृत होते हैं, संस्कृत भाषा में ध्यान रखिएगा। वो कौन कौन है नोट कर लीजिए, एक भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ऊन विंशति वादने, उसके बाद आपका होगा एकोन विंशति वादने, उसके बाद एक है एकान विंशति वादने। ये हमारी संस्कृत भाषा की खासियत है कि 19 का 4 संस्कृत होता है, उसी तरह आपका 29 का 4 होंगे, 39 का 4 होंगे, 59 का 4 होंगे। सोचिए 4 आदमी हैं, वो 4 शब्द लिख रहे हैं, कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि हम एक ही जगह पढ़ के आए हैं। और 4 शब्द, तो ये भाषा में मौलिकता लाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, किंतु अनुवाद में यदि आपका एक भी है तो आपका बिल्कुल कोई गलत नहीं कर सकते। आइए 20 का संस्कृत देखते हैं क्या होता है। आप लोग को पता है ओनली 20 का होता है विंशति, इसमें हम वादने लिख देंगे तो हो गया 20 बजे। 21 का होता है एक लगा दीजिए, उसमें विंशति जोड़ दीजिए, 20 + 1 = 21 हो गया, इसमें वादने जोड़ दीजिए, विंशति एक विंशति वादने। 22 का होता है जैसे हम कहते हैं द्वादश 12, तो द्वा विंशति वादने, 22 बजे। और 23 का, 13 का संस्कृत आपको पता है क्या होता है, त्रयोदश, तो यहाँ त्रयो लिख के फिर विंशति लिख दीजिए, त्रयो का अर्थ होता है 3, विंशति का अर्थ होता है 20, इसमें वादने जोड़ दीजिए। 24 का संस्कृत क्या आ जाएगा, चतुर विंशति वादने। तो फिलहाल हम लोग 24 तक चलेंगे, चाहे कि पूरे दुनिया में 24 ही बज रहे हैं, आगे देखा जाएगा, 25 बजता नहीं, फिलहाल हम लोग नहीं बजाएंगे। तो इस तरह से हम लोग
एक से लेकर 24 बजे तक आप समय आप देखने के लिए सीख गए। इसे आप विधि लिंग में प्रयोग करिएगा, लंग लकार में प्रयोग करिएगा, लोट लकार में प्रयोग करिएगा और किस्म लकार में, लट लकार में। थोड़ी और सीख लीजिए। अब हम लोग यहाँ थोड़ा और चलते हैं। जैसे आप लोग के मन में विचार आ गया सर सवा का संस्कृत क्या होता है, आधा का क्या होता है, पौने का क्या, तो वो भी देख लीजिए। तो सपाद का अर्थ होता है सवा, सार्ध का अर्थ होता है आधा, हाफ आधा, और पादौन का अर्थ होता है पौने। यदि आप ये तीन शब्द सीख गए तो एक संक्षिप्त रूप से हम लोग संस्कृत जान गए, है ना। जैसे अब आप सोच के देखिए, घर में चिंतन करिएगा, पौने एक बजा है, क्या कहेंगे, पादोन एक बादने। इसी तरह से आपका पादोन दुई बादने, पादोन त्री बादने, पादोन चतुर बादने, पादोन पंच बादने, इस तरह से 24 बजाते रहिए आप, ठीक है। डेढ़ बजे का संस्कृत क्या हो गया, पहले सार्ध लिखें, सार्ध एक बादने, सार्ध दुई बादने, पहले आधा, सार्ध त्रि बादने, सार्ध चतुर बादने, सार्ध पंच बादने, सार्ध षड बादने, सार्ध सप्त बादने, सार्ध अष्ट बादने, सार्ध नव बादने, सार्ध दस बादने। तो इस तरह से हम लोग 24 तक लिखिएगा। सवा एक बजे तो सबसे पहले इसलिए सपाद एक बादने, सपाद दुई बादने, सपाद त्रि बादने, सपाद चतुर बादने, सपाद पंच बादने, सपाद षड बादने, सपाद अष्ट बादने, सप्त बादने, नव बादने, दस बादने। इस तरह से सपाद सपाद का प्रयोग करते चलिए और बनाते जाइएगा। तो मेरे विचार से आप इसे ज़रूर अच्छी तरह से कर लीजिएगा उस दिन, बढ़िया से एकदम, और पूरा कंप्लीट करिए। लग रहा होगा कि हम बहुत थोड़ा पढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि आप रियल में होमवर्क करिए तो बहुत ही आपके पास टास्क होते जा रहा है। अब आइए हम लोग ये भी देख लिए संख्यावाची 24 तक। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, विधि लिंग का प्रयोग, है ना, विधि लिंग का प्रयोग देखते हैं कि क्या। आप जब नीति शतक पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा लिखा है आपका जो श्लोक है उसमें आपको चौथे श्लोक में मिल जाएगा, पांचवें श्लोक में उसका प्रयोग मिलेगा, विधि लिंग का पूरा प्रयोग है। और आइए मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ, बड़ा ही व्यवहारिक श्लोक है, आपको उसमें भी होगा, पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। मैं आप लोग को कहता था बंधु, मैं ज़्यादातर आपको प्रयोग करता मित्र। किसको मित्र कहते हैं, आइए संस्कृत में हम लोग देखते हैं। आप लोग बचपन में सुने होंगे, लाल येत पंचम वर्ष पंचवर्षाणी, लाल येत पंचवर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ियत प्राप्ति तु षोड़शे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। यद्यपि यह आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ कि विधि लिंग का देखिए प्रयोग कैसा है। आप लोग कहते हैं कि सर श्लोक में क्या इसका यूज है, तो मैंने आपको बताया कि सारे किताबों में जितने भी आपका गद्य है पद्य है सब किताबों में जो है इस लकार का प्रयोग आपको मिलेगा। तो एक श्लोक देखिए कितना व्यवहारिक श्लोक है, आप लोग पढ़े भी होंगे, कितना बढ़िया श्लोक है। लाल येत पंचवर्षाणी, लाल ये पंचवर्षाणी दश वर्षाणी ताड़येत, लाल ये पंचवर्षाणी कहेंगे पंचम भी मिलेगा, लाल ये पंचवर्षाणी दस वर्षाणी ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, देखिए षोडश सोलह, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। देखिए इस श्लोक में आपको चार जगह विधि लिंग का प्रयोग है। लाल येत देख लीजिए, एत लाल धातु है, लाल येत प्यार से बोलना चाहिए, लालन पालन करना चाहिए, उसके प्यार के साथ बात करना चाहिए। किसको, पंचवर्षाणी, जब बच्चे 5 साल के हो जाए तो उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करनी चाहिए 5 वर्षों तक, है
यानी स्टार्टिंग के 5 वर्षों तक बहुत ही प्यार से उसके साथ डांट, ये नहीं ये नहीं, एकदम प्यार से बात करिए तो वो बच्चा सबसे ज़्यादा समझेगा। तो सोचिए संस्कृत में किसके साथ कैसा व्यवहार करना, 5 साल के बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कितनी अच्छी बात है। पंचतंत्र में 10 वर्षाणी ताड़ियत, फिर देखिए ताड़ धातु है, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, 10 वर्ष तक अर्थात छठे से लेकर 10वें वर्ष तक पीटना चाहिए। पीटने का मतलब डंडा उठा के नहीं पीटना चाहिए, मतलब उसे बात से वो समझने लगता है कि ये हमें डांट क्यों रहे हैं। यदि डांट रहे हैं ताड़ रहे हैं, नहीं तो यदि वो डांट नहीं समझेंगे तो पीटने का मतलब ये है ना कि डंडा से लेकर पीट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसे लगे बात से ही इतनी चोट लगे तो उसे डर हो जाए कि नहीं, वहाँ ज़्यादातर बच्चा समझता है, वो आगे के लिए भी होता है। सोचिए तो 5 वर्ष तक बच्चे के साथ लार प्यार से रहनी चाहिए और 10 वर्ष तक उसके साथ थोड़ी सी छठे के बाद धृष्टता का प्रयोग करनी चाहिए। प्राप्ते मन पहुँच जाए तू, मतलब तो षोड़से मन 16वें वर्षे मन वर्ष में, ध्यान रखिएगा धातु रूप है, शब्द रूप है, शब्द रूप है, धातु रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, ध्यान रखिएगा ये सब है। अब आ देखिए जब 16 वर्ष का कौन हो जाए पुत्र, तो इसको तोड़ दीजिएगा, मैं आपको संधि विच्छेद बताऊंगा, मित्र वत आचरेत, आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, व्यंजन संधि है, सूत्र है झलाम जसवंत, अभी मैं आपको बताऊंगा तो वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए वती प्रत्यय, मैं अगले क्लास में यही प्रत्यय पढ़ाने वाला हूँ, बस अगले क्लास में मैं ये बताना चाहिए। देखिए विधि लिंग है, मित्रवत का अर्थ था मित्र के समान, अब आचरित में देखिए आ उपसर्ग है, चर धातु है, उसके बाद इसमें हमारा विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका मतलब आपने क्या देखा, कोई भी श्लोक है उसमें निश्चित रूप से शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय मिला। ये मैं बस अगले ही क्लास में आपको वति प्रत्यय पढ़ाने वाला हूँ तद्धित में। आपने देखा धातु रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, धातु रूप, धातु रूप, अव्यय पद, शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, और ये हमारा प्रत्यय, फिर धातु रूप। एक श्लोक का जो निर्माण होता है वो 3 चीज से ही होता है, या तो होगा शब्द रूप, या तो होगा धातु रूप, या तो होगा प्रत्यय, लेकिन वहाँ हमारा संधि भी लग जाता है, समास भी हो जाता है, कारक भी हो जाता है, और वाच्य की प्रक्रिया में बाद में बताऊंगा जब तक ये तीनों समझ जाएंगे। तो मित्रों ये मैं बताना चाहा आपको, क्यों मैं आपको मित्रों मित्रों बाहर में करता हूँ, क्योंकि आप लोग 16 साल का यदि बेटा भी हो जाए, संतान भी हो जाए, तो मित्र के तरह आचरण करना चाहिए, एक दोस्त के तरह आचरण, ये नहीं कि उसको लाठी लेके पीटना चाहिए। तो देखिए कितनी व्यवहारिक चीज़ें हैं एक समाज के लिए, हर चीज़ के लिए, इसलिए कहता है संस्कृत में क्या नहीं है, हर चीज़ है, सर्वम संस्कृते प्रतिष्ठितम। फिलहाल आप लोग श्लोक समझ भी गएंगे, याद करने की कोई जरूरत, लेकिन इसका ज्ञान जरूर याद करिए, आपके जीवन में आ सकता है। क्या मीनिंग हुआ, 5 वर्ष तक बच्चे के साथ बिल्कुल लाल प्यार करने चाहिए, अच्छे तरह से व्यवहार करने चाहिए, 6 से लेकर 10 वर्ष तक उसे डांटना चाहिए, इसका मतलब उसे डांट का भय दिखाना चाहिए, बेवजह नहीं। उसके बाद 16वें वर्ष में जब बच्चा आ जाए तो पुत्र को भी संतान को भी मित्र के तरह आचरण करना चाहिए। तो मित्रों मुझे लगता है विधि लिंग को आप अच्छी तरह से समझ गए। विधि लिंग के बाद मैंने आज क्या आपको बताया, लंग लकार का जो एक रूप होता था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए पुत्र को भी यदि कोई मित्र कह रहा है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंचतंत्र में ऐसे ज्ञान है, आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि वो हमारा फ्रेंड है। हाँ, उनके तरह आचरण करना चाहिए, मतलब अपने बात को शेयर करना चाहिए उनके साथ। अर्थ समझ गए कि 10 वर्ष तक बच्चे के साथ डांट, और जब 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाए तो उसके साथ आपको उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मेरे विचार से आज की पढ़ाई यहीं तक रखते हैं, फिर जो है हम लोग अगले दिन, क्योंकि 4 लकार हो चुका है, 4 लकार बदला हुआ रूप चलता है, इसे अच्छी तरह से लिख के रखिएगा। उसके बाद हम लोग तद्धित प्रत्यय में इन करेंगे 7वें क्लास में, तद्धित प्रत्यय चूँकि हमारा 22 है, 22 में से हम लोग देखेंगे तुमुन और अक्त्वा, हमने समझ गया किर्दंत कितना यूज होता है। आप देखिए तद्धित प्रत्यय में हमने एक उदाहरण दिया जो कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मीनिंग हो गया, बस अगले क्लास में आप देखिएगा बिल्कुल ही आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। इसलिए हर एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी क्लास को मत छोड़िए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ाई रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग
मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।